ये इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया है 2018 का, और ये इन्वेस्टर समिट हर साल चलेगी। देखिए, हमारे जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने सबको इन्वेस्टरों को पैसे सर्टिफिकेट और विमोचन बुक से सम्मानित कर रहे हैं। ये हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का सुशासन प्रदर्शन परिवर्तन है। इसको देखिए कितनी अच्छी चीजें हैं। हम पैसे कमाने के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं और बहुत कुछ किया जा सकता है। देश में युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है सरकार। पिछले 3 दिन से बिहार रोजगार मेले में आयोजन लखनऊ में मनोहर मोहनलाल गंज सूर्या इंजीनियरिंग कॉलेज में किया जा रहा है और हो गया है। सूचना प्रौद्योगिक सर्विस, ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, शिक्षा, स्वास्थ्य, रिटेल, हॉस्पिटैलिटी, इंश्योरेंस, बैंकिंग, सिक्योरिटी सेक्टर में मिलेगी नौकरियाँ। इसके लिए हमारे मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी तत्परता से आगे बढ़ रहे हैं। बदलते भारत की पहचान बनेगी यूपी की स्मार्ट सिटी, ये बहुत क्लियर है। चलिए हम यहाँ से बात करते हैं अपना जीएसके के थ्रू हम क्या क्या काम करेंगे और अच्छी तरीके से करेंगे। चलिए हम अपना जीएसके के बारे में बात कर लेते हैं कि क्या क्या हम कराएंगे, क्या क्या सर्विस हम इसके थ्रू दे सकते हैं। चलिए हम अब बात करते हैं अपना जीएसके के लिए हम पैसे कैसे कमाएंगे। अपना जीएसके पैसा कमाने का सुनहरा अवसर है। आपके क्षेत्र में निजी जीएसटी सुविधा केंद्र खोलकर कर लाखों रुपए पर बन हुआ है। सुविधाएं क्या है, आप क्या क्या करेंगे, ये चीजें सब लाइसेंसेड है और आप इसके थ्रू अच्छे पैसे कमा रहे हैं। इसके बाद भी बहुत कुछ है जो हम आगे बात करेंगे। बहुत सारी सर्विसेज हो रही हैं हमारे तरफ से। आप लाखों रुपए की आमदनी का संकल्प है। चलिए सुविधा है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन हम करेंगे, जीएसटी रिटर्न फाइलिंग करेंगे, डिजिटल सिग्नेचर बनाएंगे, आईटीआर फाइलिंग करेंगे, पैन कार्ड रजिस्ट्रेशन करेंगे, फॉर्म रजिस्ट्रेशन करेंगे, प्राइवेट लिमिटेड एलएलपी कंपनी को भी रजिस्ट्रेशन करेंगे। ये सब काम आपके द्वारा किया जाएगा। प्लस हम बहुत जल्दी आपके माध्यम से ई मार्केटिंग करने जा रहे हैं। इंश्योरेंस किसी भी कंपनी का, किसी भी व्हीकल का, चाहे किसी चीज का इंश्योरेंस भी हम लोग करेंगे किसी भी कंपनी के थ्रू, प्राइवेट LIC के थ्रू। हम रेलवे टिकट को भी बुक करेंगे। रेलवे, यहाँ तो पैन कार्ड को मैं बताया, पैन कार्ड तो बना ही रहे हैं, रेलवे टिकट को बुक करेंगे और जैसे ही आधार चालू होगा आधार को भी हम लोग बनाएंगे। हम रेलवे टिकट को बुक करेंगे, हवाई जहाज टिकट बुक करेंगे, होटल बुकिंग करेंगे, रिचार्ज में DTH मोबाइल पर करेंगे ही। आपको ट्रेवल एजेंसी का टोटली काम दिया जाएगा। हर चीज सुविधा है। जैसे ही अभी हमने वैष्णो माता का दर्शन के लिए पैकेज निकाला है 11,999 रुपये में 4 दिन 3 रात की यात्रा है। लखनऊ से फ्लाइट की टिकट है, खाना पीना सब कुछ, एक ब्रेकफास्ट लंच और डिनर कंपनी प्रोवाइड कर रही है। हम चाहते हैं आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुटे और सारी मनी ट्रांसफर ये सब सुविधाएँ आपको मिलेंगी इसके थ्रू। चलिए हम इसके थ्रू लाखों रुपए कमा रहे हैं लेकिन हम इसको यूज कैसे करेंगे, हम इसके द्वारा काम कैसे करेंगे। हम पहले बात करते हैं GST रजिस्ट्रेशन की। चलिए हम GST रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे उसको हम देख लेते हैं। देखिए हम पहले गूगल पर जाएंगे अपने सॉफ्टवेयर खोलने के लिए। हम गूगल पर गए, गूगल पर हम करेंगे टाइप करेंगे कैसे क्या करेंगे टाइप। हम गूगल पर जाकर लिखेंगे www.apnagsk.com। ये सॉफ्टवेयर टोटली लाइसेंसेड है और ऑनलाइन है, इसमें कुछ भी कोई नहीं कर सकता। चलिए हम इसको
अपना जीएसके पे गए इंटर किए तो हमारा इस टाइप का वेब ओपन होकर के आएगा। हम चलिए इस वेब को कैसे अब देखेंगे, कैसे क्या करेंगे। यहाँ पर न्यू, यहाँ पर दे रहा है वेलकम टू अपना जीएसके, अपना जीएसके डॉट कॉम, न्यू यूजर कंटेक्ट, इमेज गैलरी, रिकवर द पासवर्ड, सर्टिफिकेट ऑप्शन, रिफंड एंड कैंसिलेशन द पॉलिसी, ये टाइप का सब कुछ दे रहा है। चलिए हम किए वेलकम टू अपना जीएसके पर, हमारे पास इस टाइप का पेज खुल करके आया, इस टाइप का विंडो खुल करके आया। हम जब इस टाइप के विंडो पर गए तो हम देखेंगे यहाँ पर कुछ नहीं, यहाँ पर दिया है इंक्वायरी बिकॉज फाइल इन द डिटेल्स वी विल गेट बैक टू यू। यहाँ पर दे रहा नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल, कंपनी नेम, यहाँ पर आपको इंक्वायरी बस दे सकते हैं। हम चलिए इसको आगे बढ़ते हैं, हम अपना रजिस्ट्रेशन दे देंगे। चलिए हम यहाँ पर यूज करने के लिए रजिस्ट्रेशन ये हो गया है तो हम आएंगे यहाँ पर देखेंगे इस पेज पे आएगा, खुल जाएगा, आगे क्लिक करेंगे तो इस पेज पे दिखा होम, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, जीएसटी रजिस्ट्रेशन, प्राइस, न्यूज एंड इवेंट, कॉन्टेक्ट अस, अकाउंट। हम अकाउंट पे जाएंगे तो अकाउंट पे इस टाइम का पेज खुल के आएगा। यदि हम रजिस्टर हैं तो ही हम खुल करके आएगा, हमें नहीं देंगे। चलिए हम यहाँ पर अपने जो कंपनी से यूजर आईडी मिला है उसको डालेंगे, यहाँ पर पासवर्ड है मिला है वो पासवर्ड सेम उसी तरह से डालेंगे, कोई भी हम चेंज नहीं करेंगे। कैपिटल में है कैपिटल में डालेंगे, स्मॉल में है स्मॉल में डालेंगे, सेम उसी से कुछ आप चेंज नहीं करिए। यहाँ पर आएंगे कैप्चर लेटर है, कैप्चर करेंगे तो हमारा अकाउंट खुल के आ जाएगा। चलिए हमारा अकाउंट खुल के आया, मैं डैशबोर्ड पर आ गया डायरेक्ट। अकाउंट में जाएंगे तो हमारी प्रोफाइल पूरी दिखाई देगी, लेकिन हम डैशबोर्ड से ही बात करते हैं। चलिए डैशबोर्ड की समरी हमको इस तरह पर दिखाई दे रही है। हाँ, हमको डैशबोर्ड पे आए तो जीएसटी का जितना काम कर रहे हैं समरी का वहाँ पर हमको इतना यहाँ दिखाई देगा, पैन कार्ड का कितना कर रहे हैं यहाँ पर दिखाई देगा, डिजिटल सिग्नेचर का कर रहे हैं हमको यहाँ पर दिखाई देगा हमारे डैशबोर्ड समरी पर, रिटर्न फाइलिंग कर रहे हैं उसका यहाँ पर दिखा रहे हैं। हम चलिए पेमेंट की बात करें, हम ऑनलाइन कितना पेमेंट कर रहे हैं, ऑनलाइन पेमेंट मतलब और पेटीएम से हम कितना पेमेंट कर रहे हैं यहाँ पर आ जाएगा। बैलेट जो हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर है बैलेट से हम पेमेंट कर रहे हैं वो यहाँ पर दिखाई देगा, कितना हम कमीशन कमा रहे हैं वो हमको टोटल यहाँ पर दिखाई देगा, बैलेट में आपके अमाउंट कितना है आप रखे हैं पेपर के वो इतना यहाँ दिखाई देगा। ये आगे बढ़ते हैं, जब हम अप्लाई पे गए अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो ये इस टाइप का निकल के आएगा, जीएसटी नंबर, डिजिटल सिग्नेचर, पेन कार्ड, रिचार्ज, माय वैलेट, मैंने पहले बताया कि इसके अंदर वैलेट है, रिक्वेस्ट फॉर वैलेट रिचार्ज, फिर आएगा रिटर्न फाइलिंग, ये सब आएगा और बहुत जल्दी आपका सब जितने चीज़ें ऐड होंगी इसमें ऐड होती जाएंगी, ठीक है। तो चलिए हम जीएसटी रजिस्ट्रेशन पर आते हैं, हम जीएसटी रजिस्ट्रेशन पर क्लिक किए तो हमारा आएगा खुल करके आएगा क्रिएट द जीएसटी नंबर रजिस्ट्रेशन, ठीक है। यहाँ पर देखिए हम बता देंगे आपको हिंदी में एक रेंट एग्रीमेंट है, यदि दुकान कोई रेंट एग्रीमेंट है तो हिंदी में करेंगे तो यहाँ पर फॉर्म बस पड़ा हुआ है, इंग्लिश में रेंट एग्रीमेंट दिख जा रहा है। एनओसी क्या है, एनओसी कहाँ पर, ये तो रेंट एग्रीमेंट आप जानते हैं, एनओसी वही है कि जो यदि हमारे दुकान शॉप पापा का है मैं करना चाहता हूँ या कोई का है और हमको कर रहे हैं चालू करने के लिए उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है तो उसके लिए एनओसी पर साइन करा लेंगे, ठीक है। चलिए हम एनओसी से बात कर लिए सब कुछ कर लिए, हम देखेंगे यहाँ पर जीएसटी नंबर लेने के लिए नेम ऑफ द बिजनेस, आप बिजनेस क्या करने जा रहे हैं, फिर नेम ऑफ द पर्सन आपका नाम क्या है, यहाँ पर मोबाइल नंबर। जीएसटी नंबर देते समय हमेशा ध्यान रखिए और डाटा मेंटेन करिए, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आप अपना डालें, नहीं तो मोबाइल से जो वेरिफिकेशन आता है तो कस्टमर फोन नहीं उठाता है या कोई अलग रिप्लाई देता है, इससे देरी होती है सर्विस में और सर्विस में, और आप अपना देते हैं तो तुरंत रिप्लाई देंगे तो हो सकता है विद इन 24 आवर्स आपको सर्टिफिकेट मिल जाए, या तो मिनिमम हमारा टारगेट है कंपनी का 3 दिन से 5 दिन। चलिए हम मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल दिए, कंपनी जो खोल रहे हैं उसका एड्रेस और सिटी यहाँ पर डाल देंगे,
पिन कोड इसका यहाँ पर डाल देंगे, डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर डाल देंगे, स्टेट यहाँ पर डाल देंगे, ईमेल आईडी यहाँ पर डाल देंगे और डेट ऑटोमेटिकली लेगा जब आगे बढ़ेंगे। फिर देखेंगे हम यहाँ पर आगे बढ़े तो यहाँ पर आगे बढ़े तो देखेंगे एचएसएन कोड आएगा। एचएसएन कोड के बारे में हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे, लेकिन इसको हम छोड़ देंगे क्योंकि ये डीए का पार्ट है, ऊपर का वो लोग छोड़ देते हैं। यदि आपके पुरानी शॉप का रजिस्ट्रेशन है तो वहाँ पर एजेशन कोड रहेगा, वो आप डाल देंगे। एजेशन अप्लीकेबल है कि नहीं है वो हम जहाँ तक बताते हैं कि आप छोड़ देंगे। यहाँ पर आएंगे तो आप कंपोजिट स्कीम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको दो आएगा यस, तो कंपोजिट में आ जाएंगे। कंपोजिट का दायरा 20 लाख से 1.25 करोड़ तक का होता है, वो टैक्स के दायरे में आता है। और नो करेंगे तो आप रेगुलर में आ जाएंगे। ये कंपोजिट क्या है, कंपोजिट 3 महीने में क्वार्टरली रिटर्न फाइल करते हैं लोग, और जो नो करेंगे तो रेगुलर में आएंगे, वो 20 लाख से नीचे का वो हर महीने में करते हैं। फिर हम आएंगे स्टेट ज्यूरिडिकेशन, यहाँ पर ज्यूरिडिकेशन में आएंगे तो अपना स्टेट यूपी है, यूपी बिहार, बिहार जो भी स्टेट है वहाँ पर डाल देंगे। यहाँ पर कमिश्नरेट कोड ये छोड़ देंगे हम, ठीक है, ऑटोमेटिक ले लेंगे। डिवीजन कोड छोड़ देंगे, रैंक कोड छोड़ देंगे। फिर हम यहाँ पर आ जाएंगे, एटीएम प्रोप्राइटरशिप में आप क्लिक करेंगे, तीन ऑप्शन दिखाई देंगे। पहला प्रोप्राइटरशिप जो जीएसटी नंबर से ही रिटेलर लोग लेते हैं, ठीक है, उनको जीएसटी नंबर ही चाहिए बस। दूसरा पार्टनरशिप या फर्म, वो लोग ऑलरेडी यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। तीसरी होती है कंपनी, यहाँ पर से ही हम सिलेक्ट करते हैं। फिर हम चलिए हम डिस्कस करेंगे, हम तो भी प्रोप्राइटरशिप की बात कर रहे हैं, हम फर्म की भी डिस्कस करेंगे और कंपनी का भी करेंगे। हम शॉप एस्टेब्लिशमेंट सर्टिफिकेट, ये पुरानी है हमारी शॉप है तो कोई सर्टिफिकेट है तो हम यहाँ डाउनलोड करके स्कैन करके अपलोड कर देंगे। ये पेन उसके बाद में पेन कार्ड यहाँ पर स्कैन करके अटैच कर देंगे, अपलोड कर देंगे। फिर हम आधार कार्ड फ्रंट बैक यहाँ पर स्कैन कर करके हम यहाँ अपलोड कर देंगे, ठीक है। फोटो हम यहाँ पर जिसका जितना पहले उनका फोटो यहाँ पर हम स्कैन करके अपलोड कर देंगे। एड्रेस प्रूफ, फुल एग्रीमेंट और इलेक्ट्रिक बिल, यहाँ पर फुल एड्रेस मतलब जो एग्रीमेंट होता है उसका एड्रेस उस पर प्रूफ किया जाता है। एग्रीमेंट में रेंट में है तो एग्रीमेंट चाहिए, यदि आपका खुद है तो इलेक्ट्रिक बिल चाहिए, यदि पापा के नाम पर है तो इलेक्ट्रिक बिल और एनओसी दोनों यहाँ पर डाल देंगे। कैंसिल चेक डालेंगे, जो अकाउंट इसे टाई अप कर रहे हैं ये संस्था से उसका कैंसिल चेक यहाँ पर डाल देंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, या कैंसिल चेक नहीं है तो पासबुक का फ्रंट पेज और लास्ट ट्रांजेक्शन का पेज यहाँ पर हम डाल देंगे। हम चलिए बताते हैं कि एचएसएन और कोड क्या होता है, यहाँ पर हम बताए थे आपको, बाद में डिस्कस करेंगे। व्हाट इज द एचएसएन कोड, एचएसएन कोड मीन्स हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ द नॉमिन कल्चर कोड यूज फॉर द क्लासिफाइंग द गुड्स अंडर द जीएसटी गुड एंड सर्विस टैक्स। इसका मतलब एचएसएन का मतलब ये होता है। व्हाट इज द एसएससी कोड, द एसएससी कोड इज मीन द सर्विस अकाउंट कोड अंडर द विच द सर्विस फॉल अंडर द जीएसटी आर द क्लासिफाइड। ये दोनों क्लियर हो गए आपकी, ठीक है। एचएसएन कोड एंड एसएससी कोड आर द कोड यूज टू क्लासिफाई द गुड एंड सर्विस अंडर द जीएसटी रेजिम इन इंडिया। ये सब मतलब होता है, हम तो मैक्सिमम छोड़ देते हैं, चलिए हम इसको इग्नोर करते हैं, आप नहीं यूज करेंगे हम। उसके बाद में आ गए कंपनी का ओवरव्यू, या क्या कंपनी आपका करने जा रही है उसका ओवरव्यू हम यहाँ पर डाल देंगे। पेमेंट पे आ जाएंगे, पेमेंट में हम बताए पहले ऑनलाइन लिखा है, ऑनलाइन और वैलेट में दो चीज आते हैं। तीसरा हमारा है यूपीएस इन्वेस्टर, हम एक क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से लेते हैं तो डायरेक्ट हम उसी कस्टमर के से पैसा ले लेते हैं, या तो हम अपने पहले से कैश लेते हैं तो ऑनलाइन और पेटीएम से, ऑनलाइन में पेटीएम और भीम से करते हैं। टोटली हम डिजिटली हैं, ठीक है, आपको बहुत क्लियर होना चाहिए कि हम टोटली डिजिटली हैं। हम यहाँ पर यदि रेंट एग्रीमेंट है तो डाल देंगे, किराए पर है वहाँ पर बताया मैंने, नहीं है तो छोड़ देंगे। एनओसी यदि है तो यहाँ पर डाल देंगे, नहीं तो छोड़ देंगे।
सेव करेंगे ऑटोमेटिक आपकी साइट 590 रुपये काटेगी और आपको रिसीट आ जाएगा। यदि कुछ गलत रहेगा तो एरर करके हाईलाइट करेगी, उसको आप करेक्ट कर लेंगे। चलिए हम आगे बात करते हैं, सेव कर लिए और हम प्रोपार्टनरशिप में कंपनी और रजिस्ट्रेशन कर लिए, इतने ही आपको करना है। चलिए हम आगे के बारे में बात करते हैं, फॉर्म और कंपनी। हम चलिए यहीं पर आ गए, फिर हम कंपोजिट में चले गए। कंपोजिट में यदि एस कर दिए, कंपोजिट हम 20 लाख से ऊपर चले गए, ठीक है। हम जो रजिस्ट्रेशन ये तो आप बताया मैंने कर लिया, हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लिए फॉर्म को। फॉर्म को जब सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आएगा पैन कार्ड ऑफ फॉर्म, हम पैन कार्ड फॉर्म का यहाँ पर अपलोड करेंगे। फिर पार्टनरशिप डेट, यहाँ पर हम अपने पार्टनरशिप का डेट करेंगे अपलोड करेंगे। फिर फॉर्म एड्रेस प्रूफ, हम अपने फॉर्म का जहाँ बोल रहे हैं वहाँ पर उसका एड्रेस प्रूफ यहाँ पर अपलोड करेंगे। फिर कैंसिल चेक ऑफ द फॉर्म अकाउंट, यहाँ पर फॉर्म अकाउंट का कोई चेक है तो यहाँ पर अपलोड करेंगे। यहाँ पर रिजोल्यूशन ऑफ द फॉर्म अपॉइंटमेंट ऑफ ऑथोराइज्ड सिग्नेटरी यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे पार्टनरशिप का डिटेल यहाँ पर डालेंगे ऑर्डर के तहत। फिर पेन हम पार्टनर का डाल देंगे, फिर आधार पार्टनर का डाल देंगे, फोटोग्राफ डाल देंगे पार्टनर का, यहाँ पर अपलोड कर देंगे। उसके बाद में हम आएंगे यहाँ पर, यदि कुछ डिलीट करना है तो डिलीट करेंगे, नहीं तो हम आगे जाएंगे अदर में, यहाँ पर देखेंगे कुछ है तो अदर कर देंगे, ऐड अदर आइटम, ठीक है। हमें हम आएंगे कंपनी ओवरव्यू में, फिर टाइप ऑफ द बिजनेस, यहाँ पर कंपनी क्या कर रही है उसको हम देख लेंगे। फिर आएंगे यहाँ पर पेमेंट में, पेमेंट मोड पर जब आ जाएंगे तो ऑनलाइन पेमेंट और पैसे यहाँ पर है ऑलरेडी मैं बताया, नहीं तो तीसरा दो माध्यम कैश ले के टाइम में इसको यूज करेंगे, नहीं तो डायरेक्ट इन्वेस्टर के हम डेबिट और क्रेडिट कार्ड से हम UPS के थ्रू पेमेंट ले लेंगे। चलिए हम क्लोज करते हैं, आगे देखते हैं क्या आगे है। हम यहाँ पर रेंट एग्रीमेंट है तो डाल देंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। NOC है तो डाल देंगे और छोड़ देंगे, सेम जैसे मैं प्रोपर्टी से मिल बताया। फिर हम सेव करेंगे, यहाँ से सेव किए कंपनी ऑलरेडी 3000 रुपये काटेगी प्लस 18% GST और आपको रसीद देगी। आपको 10 से 12 दिनों में आपका सर्टिफिकेट सबको डिटेल आ जाएगा और आप अपने क्लाइंट अपने कस्टमर अपने को दे देंगे। चलिए हम आगे बात करते हैं कंपनी कैसे रजिस्टर है। हम चलिए कंपनी रजिस्ट्रेशन करने के लिए हम तो आ गए, हम सब कुछ देख लिए, ठीक है। हम कंपोजिट में ही कंपनी को भी करेंगे, हम यहाँ पर पार्टनरशिप फॉर्म को आ गए और ये सब कर लिए, ठीक है। हम अब कंपनी के बारे में बात करेंगे, यहाँ पर कंपनी को भी उसी टाइप का हम कर लेंगे, ठीक है। जैसे मैंने बताया वहाँ पर आगे आपको आई थिंक एक कंपनी को किया नहीं है, लेकिन वही है आप GST और कंपनी फॉर्म रजिस्ट्रेशन का प्रक्रिया यही है। आप प्लीज इसको दिमाग में रखिए और आप विदाउट कोई कॉज में आप आगे बढ़िए। चलिए हम बात करते हैं आगे के डिजिटल सिग्नेचर। चलिए डिजिटल सिग्नेचर हम कैसे बनाते हैं, हाउ टू मेक द डिजिटल सिग्नेचर, इट इज द की पॉइंट। चलिए हम इसको बात करते हैं। हम डिजिटल सिग्नेचर यहाँ अप्लाई पर फिर क्लिक करेंगे, आएगा डिजिटल सिग्नेचर का और डिजिटल सिग्नेचर के बारे में हम फिर बात करते हैं। क्लिक किए डिजिटल सिग्नेचर पर ओपन होकर के डिजिटल सिग्नेचर सिग्नेचर रजिस्ट्रेशन आ गया। यहाँ पर बेसिक डिटेल्स आएगा, नेम ऑफ द पर्सन, एक ड्यूरेशन यहाँ पर देंगे 1 ईयर का, 2 ईयर का, 3 ईयर का। फिर सिग्नेचर देंगे, सिग्नेचर में यहाँ पर आएगा, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, फिर आएगा DSC टाइप। आप DSC टाइप कैसा चाहिए आपको, इंडिविजुअल चाहिए या ऑर्गेनाइजेशन के लिए। चलिए हम यहाँ पर डाल देते हैं, आपको इंडिविजुअल करेंगे या ऑर्गेनाइजेशन करेंगे। फिर देखेंगे आप क्लास कितना चाहिए, DSC 3 टाइप का होता है, सेकेंड क्लास, थर्ड क्लास एंड फोर्थ क्लास। फर्स्ट क्लास से होता है, फर्स्ट क्लास जस्ट 3-4 नाम काम ई मेल वगैरह में काम आता है। सेकेंड क्लास होता है जो ई ट्रेनिंग को छोड़ कर सब कुछ में यूज होता है। और PGFT होता है वो फॉरन के लिए रहता है, डिपार्टमेंट ऑफ द फॉरन मिनिस्ट्री, तो इसको हम लोग डिस्कस करेंगे अभी। फिर हम यहाँ मोबाइल नंबर डालेंगे, ईमेल आईडी, फिर हम बता रहे हैं कि मोबाइल नंबर और एक कस्टमर का मत डालिए, अप्लाई डालिए जिससे वेरीफाई करने में आपको ईजी होगी और जल्द से जल्द आप सर्विस दे सकते हैं। ईमेल आईडी
मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और अपना यहाँ बता देंगे कि डीएससी अटैचमेंट या जो वहाँ पर पैन कार्ड अटैचमेंट है यहाँ पर डीएससी का डाल देंगे। चलिए हम पैन कार्ड को यहाँ पर डाल देंगे। डीएससी के लिए टोटल डिटेल हमारा सॉफ्टवेयर हमारी कंपनी पैन कार्ड से ही ले लेती है, ठीक है ना। चलिए हम आगे बढ़े। हम बताए आपको डिजिटल सिग्नेचर के कैसे तीन टाइप के होते हैं, दो टाइप का मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। आज ई फिलिंग इज मेड द कंपल्सरी इज द आर ओ सी एवरी डायरेक्टर और द साइनिंग द अथॉरिटी नीड टू हैव ए डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। इट इज नाउ द मैंडेटरी टू ऑब्टेन द क्लास टू और क्लास टू विद द पेन इनक्रिप्शन डिजिटल सिग्नेचर द सर्टिफिकेट फॉर एनी पर्सन हु इज रिक्वायर्ड टू साइन द मैनुअल डॉक्यूमेंट्स एंड रिटर्न द फाइल्स विद द आर ओ सी एज पर द MCA 21। ऑल्सो एंड द इंडिविजुअल इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन द क्लास टू डिजिटल सिग्नेचर विद द पेन इनक्रिप्शन फॉर ए ई फाइलिंग रिटर्न एंड इनकम टैक्स इंडिया। चलिए देखिए हम डिजिटल सिग्नेचर के बारे में टू के बारे में, ए हमारा मतलब है और ये सबके लिए मैंडेटरी है जो लोग रिटर्न भर सकते हैं। हम उनका मोबाइल नंबर ईमेल आई डी यहाँ पर डाले तो बता ही चुके हैं हम, ऐसे पैन कार्ड अटैच कर दिए। चलिए हम देखते हम सी या क्लास थ्री को कैसे करते हैं। क्लास थ्री का मतलब क्या होता है, क्या क्राइटेरिया है। क्लास थ्री डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट सर्टिफिकेट इज द अपग्रेडेड द वर्जन ऑफ द क्लास टू डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट बाय द यूजिंग द सर्टिफिकेट यू कैन द पार्टिसिपेटेड बिड एंड बिड इन ए काइंड ऑफ वन लाइन द टेंडर एक्वेशन अक्रॉस इंडिया द पार्टिसिपेट इन इंडिया ई टेंडरिंग द प्रोसेस एवरी द वेंडर इज रिक्वायर्ड टू यूज द क्लास थ्री डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। चलिए हम ए डिजिटल सिग्नेचर पहले भी बता दिए थे कि क्लास थ्री ई टेंडरिंग के काम आता है, क्लास वन नवनू का वन, क्लास टू को पास डिजिटल के लिए। अब हम GGFT की बात करेंगे। DGFT का मतलब क्या होता है। DGFT का मतलब है डायरेक्टर और डायरेक्टर जनरल ऑफ द फॉरेन स्टेट, ये इनका मतलब होता है। ये लोग फॉरेनर अप्लाई करते हैं। चलिए ये बात कर लेते हैं, आगे बात है इन इसको हम बात करते हैं या छोड़ दे डिजिटल सिग्नेचर के बारे में है और जाने की जरूरत नहीं डिजिटल सिग्नेचर है। क्लास वन का भी यहाँ पर डिटेल दिया, क्लास वन क्या होता है, क्लास टू का डिटेल दिया, क्लास थ्री का डिटेल दिया। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। डीएससी पैन कार्ड को अटैच कर लिए हम यहाँ से देखें, आधार को फ्रंट बैक यहाँ पर अटैच कर लिए हम, ड्यूली द फिलेट द फॉर्म हम ऑलरेडी यहाँ पर अटैच करके डाल देंगे, ठीक है। पेमेंट मोड पर जाएंगे हम, पेमेंट मोड पर देखेंगे ऑनलाइन या पेटीएम से होगा, यहाँ सेव करेंगे ऑटोमेटिक आपका पैसा कटेगा और आपका प्रोसेस चालू हो जाएगा। चलिए हम आगे बात करते हैं, आगे करते हैं आधार फंड बैक यहाँ पर करते हैं, पेमेंट को दी है और आगे बात करते हैं। चलिए ये GST से फॉर्म हम क्या बताए, बात की है कि प्रोमाइटरशिप में, पार्टनरशिप में, कंपनी में, ठीक है। GST नंबर देंगे तो नहीं हम प्रोमाइटरशिप में रहेंगे। अब बात करते हैं हाउ टू मेक द पेन कार्ड, इट इज अ गेयर पॉइंट। ये यहाँ पर हम पेन कार्ड के लिए बात करेंगे। हम यहाँ पर फिर अप्लाई हो गए, क्लिक किए और आ गए हम पेन कार्ड में। पेन कार्ड को पर क्लिक किए तो इस टाइप का विंडो खुल करके आ गया। चलिए योर नेम, फादर नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, मैंने फिर बताया कि आप लोग मोबाइल नंबर होते हैं, ईमेल आईडी अपना ही डाल। चलिए हम बताते हैं यहाँ पर फोटोग्राफ अपलोड कर देंगे, पेमेंट मोड पर जाएंगे, फिर हम इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ऑनलाइन और वैलिड आएगा। वैलिडिटी के अंदर है सॉफ्टवेयर के और ऑनलाइन और पेटीएम के थ्रू जाएंगे। फिर हम यहाँ पर इंडिविजुअल फॉर्म को अपलोड करेंगे। अब देखिए इंडिविजुअल फॉर्म हम कैसे पैन कार्ड के लिए करते हैं। हम फॉर्म नंबर 49A को फिल करेंगे। हम ऊपर में देखेंगे तो हम लेफ्ट हैंड में एक फोटो है और एक राइट हैंड में,
लेफ्ट हैंड की फोटो पर हम जब लाएंगे उस पर क्रॉस चेक करेंगे, आधा नीचे रहेगा आधा ऊपर रहेगा। चलिए हम राइट हैंड के फोटो पर जाएंगे, उसको एक फोटो लगाएंगे और नीचे देखेंगे बॉक्स है, वहाँ पर हम सिग्नेचर करेंगे। फिर हम वहाँ पर नीचे आ गए, नीचे आ गए तो देखते हैं प्लीज सिलेक्ट द टाइटल, यहाँ पर श्री श्रीमती मारी मिस्टर ए दिया हुआ, तो हम जो रहेगा उस पर टिक मार देंगे। उसके बाद में हम अपना लास्ट नेम पहले भरेंगे, यदि सिंह है तो सिंह डालेंगे, यादव है तो यादव डालेंगे, कुर्मी है तो कुर्मी डालेंगे सब। उसके बाद फर्स्ट नेम डालेंगे, उसका फर्स्ट दूसरी लाइन में फर्स्ट रुपये हम पा दिए, और तीसरी लाइन में सेकंड नेम कुछ है तो डालेंगे, नहीं छोड़ देंगे। फिर ऊपर नीचे आएंगे आर्टिकल नंबर टू पर, तो वहाँ अब्रिवेशन दिया हुआ है, तो यहाँ पर कैसे प्रिंट करना है, पैन कार्ड का प्रिंटेड कैसा रहेगा नेम लाल, तो वहाँ पर जैसे कोई है नेम करके के उसको देंगे। एग्जाम्पल के तौर पर पहले डालेंगे हम मतलब गोविंद सिंह, तो पहला गोविंद रहेगा सिंह, ये टाइटल ऑलरेडी ये प्रिंट होना चाहिए, वो हम डालेंगे यहाँ पर। फिर नीचे आएंगे तो वहाँ पर डालेंगे फिर करा है कि हैव यू एवर बीन नो द एनी अदर नेम, तो कहेंगे नहीं नो नो कर देंगे और इसको फिर आएंगे। नीचे आएंगे तो लास्ट सब नेम और फिर ऊपर जैसे भरे हैं उसको भर लेंगे। नीचे आएंगे फोर्थ नंबर में जेंडर अपने डाल लेंगे, फिर फिफ्थ में आएंगे हम डेट ऑफ बर्थ अपना फिल कर देंगे, सिक्स में जाएंगे फिर हम अपने फादर का नेम भर देंगे, पहला सर नेम भरेंगे फिर नेम भरेंगे और लास्ट नेम कुछ है डाल देंगे। फिर जाएंगे उसके नीचे तो मदर नेम भर देंगे, फिर नीचे जाएंगे तो कौन सा कार्ड में प्रिंट होना चाहिए उसको टिक कर देंगे, फादर टिक करेंगे या मदर टिक करेंगे या आपके नाम के साथ में किसका नाम आना चाहिए उसको टिक कर देंगे। ठीक है, उसके बाद में हम आ जाएंगे नीचे।